गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बेटा इससे पहले कि हम लेसन को स्टार्ट करें, फर्स्टली सी रिवाइज्ड सीबीएसई सिलेबस फॉर 2021। इन दिस चैप्टर नाउ वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग टाइप्स केस स्टडी अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम पॉलिसीज एंड क्रिटिकल असेसमेंट। इस बार इस लेसन में से एनर्जी टॉपिक डिलीटेड है बेटा, वो हम इस टॉपिक को इस लेसन के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अ लेसन फ्रॉम एनसीईआरटी दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी व्हेन इफ वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस वन लेसन, सो यहाँ पर बेटा मैंने कुछ लाइंस को ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, ये कुछ इंडिया की फॉरवर्ड स्टेट्स हैं जो काफ़ी डिवेल्प हैं। अब ये स्टेट्स, कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश प्रॉस्परस हैं, रिच हैं, डिवेल्प हैं ड्यू टू एग्रीकल्चर, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन या हॉर्टिकल्चर। उसी तरह से महाराष्ट्र, गुजरात भी डिवेल्प हैं ड्यू टू इंडस्ट्री डिवेलपमेंट। केरला डिवेल्प है ड्यू टू लिटरेसी रेट, ड्यू टू गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, ड्यू टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एंड वेयरएस कर्नाटका डिवेल्प है ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये स्टेट्स इतनी अच्छी डिवेल्प क्यों हैं, तो इसका रीज़न है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन दीज एरियाज। इन स्टेट्स के अंदर एक्सेल बहुत अच्छी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं पर अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, कहीं बच्चे अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, कहीं कहीं पर अच्छी पोर्ट्स हैं, कहीं कहीं पर आपको इंडस्ट्रियल एरिया नज़र आता है। इसी तरह से इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारा सपोर्टिव स्ट्रक्चर मिलता है जो डिवेलपमेंट को इनक्रीज़ करता है, डिवेलपमेंट को रेज़ करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स सपोर्टिंग सर्विसेज इन द मेन एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बेस प्रोवाइड करता है, की इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करता है जो प्राइमरी, सेकेंडरी, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शरी सेक्टर के लिए, इंश्योरेंस के लिए, फॉरेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में जितना भी डेवलपमेंट एरिया है इसके अंदर रोड, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डैम, पाइपलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन, स्कूल, हॉस्पिटल्स, इसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर, मॉनिटरी सिस्टम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, ये सब इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? 3 मार्क्स में मीनिंग और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सिंपली इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू ऑल सच सर्विसेज फैसिलिटीज विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन इकोनॉमी विच आर असेंशियल इन रेजिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी सर्विसेज हैं जिससे इकॉनमी की जीडीपी बढ़ती है, इकॉनमी के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, और जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो भी अंडर यूटिलाइज थे, अनयूटिलाइज थे, उन सब का यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और अगर सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अच्छी तरह से यूज़ होते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जितने एग्जांपल मैं बुक में दिए हैं, रोड्स हैं दैट इज़ नोन एज ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड पार्ट दैट इज़ एजुकेशन, थर्ड पार्ट इज़ हेल्थ सिस्टम, फोर्थ पार्ट इज़ सैनिटरी सिस्टम एंड फिफ्थ पार्ट इज़ मॉनिटरी सिस्टम। तो हम इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 1 ट्रांसपोर्टेशन, 2 हेल्थ सिस्टम, सैनिटरी सिस्टम, मॉनिटरी सिस्टम एंड एजुकेशन सिस्टम। अगर हम इन सभी सिस्टम्स को सिंगल लाइन में एक्सप्लेन करते तो हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट थिंग्स इंक्लूड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर? यस, वी कैन डिवाइड टू 2 कैटेगरीज, 1 इज इकोनॉमिक, अनदर इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ आर एसोसिएटेड विद एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड वेयर एज सम रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे इकोनॉमिक या सोशल है, दोनों को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अंदर वो सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिससे इकोनॉमी के अंदर, मॉनिटरी सेक्टर के अंदर मनी की सप्लाई होती है, जीडीपी बढ़ता है, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में जो हेल्प करती हैं। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन बेटा आ जाता है, जितने भी पावर प्रोजेक्ट हैं, जितने भी ऑयल से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं जिनसे हमारी इकोनॉमी के अंदर जो एक्सचेंज सिस्टम डिवेल्प होता है, वो सभी हमारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है वो एफिशिएंट होती है और जीडीपी इंक्रीज होती है। जो हमारे पास
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जिससे हमारी सोसाइटी को सपोर्ट मिलती है, जैसे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, वो सारी सर्विस जिससे सोसाइटी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है और जिससे इकॉनमी के लोगों की हेल्थ इंप्रूव होती है, एफिशिएंट वर्कफोर्स इंक्रीज होती है, उसको हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ऐड ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेलेवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस या इसकी नीड क्यों है, इसकी इतनी डायर नीड क्यों हमारे पास है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज सपोर्ट ऑन विच डिपेंड अपॉन द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एग्रीकल्चर आल्सो लार्जली डिपेंड अपॉन इट। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर सिस्टम डिपेंड करता है। अगर हमने प्राइमरी सेक्टर को डिवेलप करना है, अगर हमें प्राइमरी सेक्टर के अंदर परमानेंट चेंजेस करने हैं, जैसे इरीगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है, या जिन एरियाज़ के अंदर परमानेंट इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करना, तो हमें वो सारी की सारी चीज़ें डिवेलप करनी पड़ेंगी, तो जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। देन बेटा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर वो हमारे पास सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसके अंदर हमारे पास इंडस्ट्री जितने भी एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को डिवेलप करने के लिए। इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, मॉडर्न यूज़, ये हमारे पास रेलवे है, शिपिंग है, इन सब का यूज़, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए जितने भी चीज़ें हम यूज़ करें, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें बेटा, इंश्योरेंस यूज़ करें, बैंकिंग यूज़ करें, मार्केटिंग यूज़ करें, क्रेडिट यूज़ करें, तो ये सब क्या है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर से मिले हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इंडस्ट्री को, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डिवेलप करने में काफ़ी हेल्पफुल है। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है और इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो इससे इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंटली यूज़ होते हैं। और अगर आप बात करते हो अपनी इकोनॉमी की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सही यूज़ होना इकोनॉमी को डिवेलप करता है। हमारे देश के अंदर जितने भी हमारे हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हैं उनको रिमूव करने के लिए अगर वाटर फैसिलिटीज़ को या सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर दिया जाए तो मॉर्बिडिटीज़ जो हमारे पास होते हैं, जो लोग बहुत जल्दी बीमार होते हैं, उनकी रेशो कम हो जाती है ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर ऑफ डिजीज़ को, सिक पीपल्स की काउंटिंग को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल है। हमारे देश में डे बाय डे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे हेल्थ से रिलेटेड है या सैनिटेशन से रिलेटेड है, हाइजीनिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी के अंदर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्प है। अगर बेटा हेल्थ इम्प्रूव होती है तो वहाँ पर हमारे देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने से लोगों के अंदर एबिलिटी टू वर्क इंक्रीज़ होता है। इससे इकोनॉमी के अंदर जितने फॉरेन सेक्टर हैं वो भी बड़ी इनको इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट मिलने से वो इकोनॉमी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए और इकोनॉमी के अंदर ये डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट है। इसके अलावा हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग आ जाता है, दैट इज़ एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। तो एयर पोल्यूशन जिन एरियाज़ के अंदर डेंस्ड पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो बहुत ही पोल्यूटेड एरिया है, अगर वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सही तरीके से इस्टेब्लिश किया जाए तो वहाँ भी इकोनॉमी डिवेलप हो सकती है। तो ये आज हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देन बेटा टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देन बेटा रेलेवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज अबाउट टुडेज टॉपिक।